अगला सवाल है सौरभ का, आगरा से मैं साथ हैं। सौरभ बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। सर जी मेरे पास इजी ट्रिप की सेल है, 1055 रुपये के रेट पे, क्या करना चाहिए? सौरभ, इजी ट्रिप 55 रुपए का इनका प्राइस है, 53-40 पे भी चल रहा है। इज माई ट्रिप, राइट? हाँ इज मेट। इज माई ट्रिप। देखिए यहाँ पे मुझे सही डेटा जो है हमारे पास जितना दिख रहा है, तो दो ही बार बन रहे हैं ईयरली में और क्वार्टरली में आपको 7-8 बार दिख रहे हैं, तो उन बार में डेफिनेटली यहाँ ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट हुआ है तकरीबन 3600 रुपये के आसपास से, जो ब्रेकआउट है वो अच्छा है, तो यहाँ पे आपको उसके टारगेट आते हुए दिख गए हैं। और मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे तो यहाँ पे जितना होना था इसका एक राउंड हो चुका है, अब ये करेक्शन चल रहा है, आई थिंक इसको 44-48 की तरफ ये करेक्शन लेके जाएगा, और वहाँ से जब आपको रिकवरीज दिखेंगी तो आई थिंक डेफिनेटली ऊपर 80 रुपये के हाइज निकलेंगे, बट उसमें भी टाइम है, तो इमीडिएटली ये यहाँ से चलेगा इसको कहना मुश्किल है, बट लॉन्ग रन में अच्छा स्टॉक लग रहा है। अच्छा एक सवाल है ट्विटर से है, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ढूंढिए इसको चार्ट पे, 340 रुपये का एवरेज प्राइस है, शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाहते हैं रोहित यादव। इसमें किर्लोस्कर में मुझे 2-3 स्टॉक्स एक्स्ट्रा दिख रहे हैं सर, नहीं एग्जैक्ट सपोज किर्लोस्कर ऑयल, KOEL, जो बड़ा भारी जनरेटर रखा रहता है, कोयल टाइप का लिखा रहता है उसमें, वो वाला KOEL मिला? KOEL के कोर्ट से मुझे नहीं एनएफटी की तो नहीं मिल KOEL रहा का है। नहीं लगा आपको, केवल किर्लोस्कर लिखोगे तो किर्लोस्कर ऑयल मिलेगा। चलिए खैर इसको आप साइड में ढूंढिए, तो ये तब तक दूसरा सवाल लेते हैं आप। अशोक चटलानी जी मेरे साथ हैं बेंगलुरु से। अशोक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। किसी भी बैंक आई हैव 500 at 97। ओके DCB बैंक 97 रुपये पे है, 500 शेयर अशोक जी ने लिए हैं। बैंक तो बहुत चल रहे हैं और छोटे वाले बैंक और ज़्यादा चल रहे हैं, प्राइवेट वाले भी चल रहे हैं, तो देखिए इसमें 40 रुपये करीब इनको फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट बुक करें या और चेज करें मोमेंटम को? डीसीबी बैंक आपने बोला सर यस जी। देखिए मेरे हिसाब से ट्रेड में है प्रॉफिट में, तो ट्रेडर बने रहे, प्रॉफिट से हमेशा थोड़ा प्रॉफिट में से रिस्क लेना ऑलवेज हम हमेशा बेटर रहता है। मेरे हिसाब से अराउंड 127-140 के डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से आई थिंक इस ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए, और बात वही बोल रहा हूँ कि 1 से 3 महीना ट्रेड को और दे दें और उसमें अगर थोड़ी और कमाई हो जाए तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा रहेगा इनके लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।